उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अब तेज हलचलें शुरू हो चुकी हैं। अखिलेश यादव इन दिनों उत्तर प्रदेश के जिलों के दौरे पर हैं। कई दिनों से लगातार वो अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं। इसी दौरे के दौरान अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी आजमगढ़ अखिलेश यादव पहुंचे थे और वहां पर उनको गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया था। सरकार ने उन्हें नजर बंद किया था क्योंकि अखिलेश यादव वहां पर धरना देने जा रहे थे। लेकिन अब अखिलेश यादव जब चुनाव से पहले के दौरे पर पहुंचे हैं तो लोगों से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आजमगढ़ में एक लंबा चौड़ा हुजूम अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गया। ये मिलने की तस्वीरें भी सामने आई और इसके अलावा अखिलेश यादव ने जब मीडिया से बातचीत में कुछ बातें कही, उन्हें आप जरा गौर से सुनिए। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों की सरकार बनाने जा रही है और हमारे पत्रकार साथी ने ठीक सवाल पूछा था, 400 कैसे। कल आपने देखा सांसद के साथ क्या हुआ, जनता ने क्या किया, आप बताइए। नाम बदलने हैं, अरे गुजर समाज के महापुरुष ने उनका नाम बदल दिया आपने। और पत्रकार साथियों से कहेंगे मुख्यमंत्री से मत मिलना आप, अगर मिले उनसे तो नाम पूछा तो कहो नाम बदल दें आपका। सर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बार बार कि 4.5 साल की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ। उनका वो देखिए जो मुकदमे थे वो दंगा तो खुद ही फैलाते थे। और ये सोचिए आप कि दंगा होने से किसको लाभ होगा, जो विकास की राजनीति करते हैं, समाज में समाजवाद लाना चाहते हैं, उन्हें दंगे से लाभ नहीं होगा। जो दंगा से लाभ होगा वो दंगा कराएंगे। अच्छा सर, जो हिंदू मुसलमान में नफरत फैला रहे हैं सर, और कम से कम ये मामला बहुत तेजी से था, योगी जी ने यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं, धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं, तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। देखिए जहां तक सवाल आप पूछ रहे हो, समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी छोटे दलों को लाएं, और जिनको मैंने लिया उनके भाई को एक मुकदमा हो तो बताइए आप। और भारतीय जनता पार्टी को टॉप 10 की सूची जारी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों हट रही है कि इस टॉप 10 की सूची नहीं जारी कर रही है? और आप जानकारी करो जेल में कितना बड़ा टिफिन जा रहा है खाना का किसी का। सुनने में ये आया है कि जेलों में बड़े बड़े टिफिन जा रहे हैं खाना खाने के, और उनका जो खाने का इंतज़ाम है वो वहीं से जेल से बताया जा रहा है, वो जेल लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये भी कभी कभी इस पे भी ध्यान देना। हमारे पत्रकार साथी जानते सब हो आप भी, लेकिन आप भी जिंदा लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। जितने भी क्षेत्रीय दल, जितने भी छोटे दल प्रदेश के हैं, उन सबको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। उसमें जिनका आपने नाम लिया है उनका भी दल है, उसे भी साथ समाजवादी पार्टी लाएगी और पूरा सम्मान उनको दिया जाएगा। किसान को कोई सुविधा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर कानून बनाती है। जिस सरकार ने मंडियां बंद कर दी हो, जिस सरकार ने झूठी खरीद की हो, जिस सरकार ने गन्ने का पेमेंट अभी नहीं कर पाए हो, तो वो सुचिंता कैसे हो सकते हैं किसानों के? ये भुगतान बताते हैं, बकाया नहीं बताते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों का 12,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया है, और डीजल अगर महंगा हुआ तो किसका नुकसान हुआ? डीजल महंगा हो गया, बिजली के मीटर महंगे हो गए, तो किसका नुकसान हो रहा है? अखिलेश यादव ने हाल ही में हुए प्रतापगढ़ में सांसद के पिटाई पर भी अपनी बात सामने रखी। अखिलेश यादव का यह कहना है कि बीजेपी की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो जनता के बीच नहीं निकल पा रही है, और इस बात का फायदा सीधे समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में होने वाला है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।